बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दो सगे भाइयों ने एक नाबालिग के साथ कई दिनों तक बलात्कार किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने कुछ भी बोलने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। हालांकि जब इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों और पुलिस को मिली तो उन्होंने मामले को दबाने के लिए पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए दिए। कमरा बंद करे, ऊपर ले जावे, मुंह बंद कर ले वे। फिर मेरे कही के चाची के ये दोनों छोरा मुँह चुपते हैं, मैंने काटी का पते मतलब मम्मी पापा ने मैं मारा हूँ, पैसा दिखावे फिर मुँह। वहीं इस मामले में एसपी सिटी प्रवीण रंजन ने कहा कि मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नहीं हुआ है, इस समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात होने के उपरांत मैंने थाना प्रभारी को कहा है कि इस प्रकरण की दर्ज जांच करें, जांच के उपरांत कोई भी ऐसा तथ्य पाया जाएगा। इसके साथ साथ यदि कोई प्रार्थना पत्र पीड़िता की तरफ से पुलिस के पास आएगा तो सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अधिकारियों ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए लॉगिन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।